नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। 302 क्विंटल चावल सहित महिला बाल विकास की खिचड़ी की बोरियां हुई जब्त। जी हां, गत दिवस सिरोंज तहसील में एक 302 क्विंटल चावल के ट्रक जब्ती का मामला सामने आया है। सिरोंज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संजय कुमार जैन ने बताया कि एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक जिसमें कई टन चावल है संदिग्ध रूप से जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़कर पूछताछ की गई तो ट्रक चालक ने बताया कि चावल इंदौर से लाया जा रहा है और महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है, जबकि इंदौर से महाराष्ट्र का रास्ता यह नहीं है, जिससे ट्रक की संदिग्धता बढ़ गई। कठोर पूछताछ में चालक ने कबूला कि लटेरी की एक सरकारी दुकान से 46 क्विंटल चावल खरीदा है। एसडीएम जैन ने बताया कि ट्रक में बड़ी मात्रा में महिला बाल विकास की खिचड़ी की बोरियां भी प्राप्त हुई हैं, जो कि बाजार में नहीं मिलती हैं, जिससे कि पूरा का पूरा मामला उलझता जा रहा है। प्रथम दृष्टा ट्रक की जब्ती बनाकर दस्तावेजों की जांच के लिए फूड विभाग को सौंप दिया गया है, जिससे कि जांच के उपरांत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। आज मैं कार्यालय में बैठा था लगभग आधे घंटे पहले, तो मुझे सूचना मिली, एक मुखबिर ने मुझे फोन पर बताया कि सर रोलपुरा चौराहे पर एक ट्रक खड़ा है और उसमें पीडीएस दुकानों का, ऐसा उसने सूचना दी कि पीडीएस दुकानों का चावल खरीद के और यहाँ से भेजा जाता है। तो मैंने तुरंत आके मौके पर दबिश दी अपनी टीम के साथ। तो यहाँ पर मैंने देखा ट्रक में लगभग 304, जैसा मुझे बताया गया कि राशिद मंसूरी नाम का कोई व्यक्ति है जिसका ये व्यापार करता है, यहाँ पर इसका गोडाउन है। यहाँ पर हमने जाके देखा तो ट्रक खड़ा हुआ था, उससे पूछा तो उसने बताया कि ये 304 क्विंटल चावल इसमें लदा हुआ है और ये भंडारा नागपुर भेज रहे हैं। तो मैंने इनसे संबंध में जब इनसे कागज़ मांगे तो उन्होंने मुझे प्राइमा फेसी बताया कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने लटेरी से सरकारी गोडाउन में जो नीलामी हुई थी 46 क्विंटल की, वहाँ से ख़रीदा है। और इसके संबंध में न्यूज़पेपर की उन्होंने मुझे खबर भी बताई। इस संबंध में मैंने तहसीलदार लटेरी से इस बारे में अजय शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ 46 क्विंटल गेहूँ अभी नीलाम हुआ था जो इन्होंने ख़रीदा है। इसके बाद इसमें 304 क्विंटल गेहूँ है, अनब है, चावल है। तो मैंने इसके संबंध में इनसे कागज़ मांगे हैं, तो ये कागज़ लगभग आधे पौन घंटे हो गए, अभी ला नहीं पाए अभी तक। जैसे इनके कागज़ आ जाएंगे इनका परीक्षण कराएंगे। इस संदर्भ में मैंने एडीएम सर को अवगत करा दिया गया है और डीएसओ मैडम को भी अवगत कराया है। उन्होंने अभी जीएसओ सिरोंज मोनिका जैन अभी बीमारी के कारण यहाँ पर है नहीं, तो लटेरी जीएसओ के चार्ज में है मैडम अस्मिता मैडम है गुप्ता, तो वो यहाँ पर आ रही हैं, उनसे जाँच कराएंगे। तब तक इनके दस्तावेज भी आ जाएंगे। जैसे भी दस्तावेज में इनका प्रमाणित होता है कि इनका कैसा है, लीगल है, इलीगल है, कहाँ से लाए हैं पूरा बताएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आंगनबाड़ी में बटने वाली खिचड़ी भी यहाँ पर है। यहाँ मैंने परीक्षण के दौरान देखा कि ये आंगनबाड़ी में जो खिचड़ी बटती है वो भी इनके पास अभी पाई गई है हमारी जाँच में। तो इसके संबंध में ये भी बताएंगे कि कहाँ से आई है, कैसे खरीदे इन्होंने।